हेलो ऑल द ब्यूटीज, हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके साथ एक नई वीडियो लेके फिर से आ गई हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी, फूड, फैशन एंड लाइफस्टाइल, यू आर एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि NYB लिपस्टिक की एक डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पे लाऊंगी, तो वो आज आ चुका है। मैंने अपने लास्ट नायका और पर्पल हॉल में NYB की लिपस्टिक आपको शो किया था, जो कि मैंने वहाँ से परचेस की थी बाई टू गेट टू ऑफर में, जिसकी रिव्यू मैंने इस वीडियो में रखा है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कर दे इसको शेयर, और कर दे एक लाइक, और अच्छा लगे तो एक कमेंट भी करके जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चारों लिपस्टिक की एप्लीकेशन और स्वाचेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एंड दी ऑल वेयर वेरी वेरी मैट एंड क्रीमी। ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, और बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसफरेबल भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने जो स्वॉच किया है, ये भी कुछ, ये तो मैंने, ये यहाँ पे यहाँ से नहीं आया, ये मैं वो लगा रही थी उस टाइम पे आया। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। लॉन्ग लास्टिंग है कि ना, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा, बट ओवरऑल इतनी कम प्राइस में, इतनी अच्छे डील में ऐसा लिपस्टिक बहुत अच्छा है। आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा NYB की लिपस्टिक। और अगर आप चाहते हो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी लिपस्टिक को परचेस करना, तो आप ये लिपस्टिक बहुत ही परचेस ऑब्वियसली कर सकते हो। एंड जो हम बहुत हाई एंड प्रोडक्ट समझते, हाई एंड प्रोडक्ट ही अच्छी होगी, और जो लो प्राइस प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसकी प्रूफ है ये वाली लिपस्टिक। तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये लिपस्टिक। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ NYB की कोई भी प्रोडक्ट में लिपस्टिक की फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपको भी एक ट्राई बिल्कुल करना चाहिए, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बहुत अच्छे से रहना, खुशियाँ बांटना, और मेरे वीडियोस ऑब्वियसली देखते रहना। बाय आज के लिए। बहुत जल्दी लौट आऊँगी एक अलग और नए वीडियो के साथ।